अगर मीठा खाने का आपका भी हफ्ते में एक बार मन ज़रूर करता है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। इसमें आपको रसगुल्ले, जलेबी, छेना मुर्गी, इन सभी का टेस्ट एक ही रेसिपी में मिलने वाला है। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आप हर हफ्ते इसको ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। ये जितनी खाने में टेस्टी लगती है उतना ही इसको बनाने में मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर देख लेते हैं हमने इस छोटी सी रेसिपी को कैसे बनाना शुरू किया है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका अपने घर के में। मैं ज्योति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 कटोरी पानी लिया है। आप घर की कोई भी कटोरी कप सेट कर सकते हैं बनाने के लिए। तो उसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 कटोरी चीनी का यूज़ किया, यानी कि जितनी आपको चीनी लेनी है उतनी ही क्वांटिटी में आपको पानी लेना है। मेज़रमेंट का ध्यान रखेंगे तो रेसिपी एकदम परफेक्ट बनकर के तैयार होगी। आप चाहें तो यहाँ पर चाशनी की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ मैंने कुछ यहाँ पर इलायची डाली है, कूट कर ली थी इलायची मैंने। कुछ केसर के धागे भी डाले हैं, जिससे कि कलर बहुत बढ़िया आएगा हमारी चाशनी में भी, और जो चाशनी हमारी मिठाई को पिएगी उसमें भी बहुत बढ़िया कलर आएगा। अच्छी सी पतली पतली हमको चाशनी बना करके तैयार करना है। जैसे ही एक उबाल आ जाए, चीनी अच्छी खासी घुल जाए पानी के अंदर, उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए हमको पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। उसके बाद गैस को बंद करके साइड में चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब एक साइड में हम बाउल लेंगे और बाउल में एक डो बना करके तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप दही लिया है। दही आप जब भी लें फ्रेश दही लें, खट्टा दही बिल्कुल भी ना लें। उसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी का यूज़ किया है। जमा हुआ देसी घी है मेरा यहाँ पर, इसीलिए मैंने 1 चम्मच लिया है। अगर आप लिक्विड वाला लेते हैं तो 2 चम्मच लीजिएगा, ठीक है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच मिल्क पाउडर। कोई भी ब्रांड का आप यहाँ पर मिल्क पाउडर ले सकते हैं, जो भी आपके आसपास मिलता हो वो भी। मिल्क पाउडर से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा हमारी मिठाई में। इसी के साथ इसमें हम अब जो डालने वाले हैं वो है सोडा। तो यहाँ पर मैं 1/4 चम्मच लूँगी बेकिंग सोडा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। इससे अगर ज़्यादा आपने डाला तो मिठाई हमारी टूटने लगेगी। अब इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स करना है, ये देखिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या होगा, इसमें हल्के हल्के से बुलबुले उठेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अच्छी बात है उठेंगे। लेकिन आपको अच्छे से मिक्स करते हुए रहना है इसको। और जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 1 कप लेंगे मैदा। जी हाँ, सिर्फ 1 कप यहाँ पर हम मैदे का यूज़ करेंगे, जिसको मैं बढ़िया से छान करके तैयार करने वाली हूँ। तो हमारी दही का मिक्सचर एकदम रेडी हो चुका है। अब हम क्या लेंगे, एक छन्नी लेंगे, जिसको मैंने कहा था छान कर हम 1 कप मैदा का यूज़ करेंगे। और जब भी आप मैदे की कोई भी चीज़ बनाएं तो छान कर ज़रूर लें अपनी मैदे को। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाने में इतना कम टाइम लगता है कि आप बनाने बैठेंगे और ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। तो मैदा हमारा बन करके छन करके बढ़िया से तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसको मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी पानी वगैरह का यूज़ हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी हमने सामान डाला है उसी में हमारा जो मैदा है बढ़िया से मिक्स होकर के तैयार हो जाएगा। हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है, एकदम सॉफ्ट डो बना करके तैयार करना है। एकदम हल्के हाथों से बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट डो रहेगा। इससे क्या होगी, हमारी जो मिठाई है बिल्कुल भी अंदर से गांठे गुठली नहीं पड़ेंगी, अंदर तक हमारी जो मिठाई है चाशनी को अब्सॉर्ब कर पाएगी। इसीलिए कह रही हूँ डो है हल्का सा सॉफ्ट ही बनाइए। अगर टाइट हो गया हो डो, अगर इन केस, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा दूध की छींटे इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स करके रख दीजिएगा। तो हमको इसको रफली ही मिक्स करके रखना है। और हाथों पे बिल्कुल भी देख रहे हैं मेरे चिपका नहीं है, तो मैं इसको ढक करके साइड में रख दूँगी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, वो थोड़ा सा एक्टिवेट होना चाहिए। 10 मिनट हो चुके हैं, बढ़िया से हमारा डो ने रेस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे। देसी घी का मैंने यूज़ किया है फिर से, क्योंकि मिठाई बना रहे हैं तो प्रॉपरली तरीके से बनाते हैं। पिंच ऑफ मैंने यहाँ पर सॉल्ट का यूज़ किया है। आप चाहें तो जब हमने पहले सामान डाले थे सारे दही में, आप चाहें तो सॉल्ट जो है वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मेरी तरीके से, तो अच्छे से मिक्स करना है, अपने डो को अच्छे से चिकना कर लेना है।
क्योंकि अभी रेस्ट कर चुका है तो बढ़िया से चिकना भी हो जाएगा। ऊपर से हमने हाथों में घी भी लगाया है तो इसको चिकना होने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। बढ़िया से चिकना हो गया हमारा डो। अब इसको हम डो को लेंगे और चॉपिंग बोर्ड पे इस तरीके से गोल करते हुए इसकी एक लोई बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से एकदम चिकनी हमने लोई बना करके तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, बेलन को भी हल्का सा चिकना कर लेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से हम बेलना शुरू करेंगे। इसको हमको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इतना भर हमको इसकी मोटाई रखनी है। जितनी हम बिस्किट वगैरह बनाते हैं ना, बस उतनी ही हमको इसको यहाँ पर इसकी थिकनेस जो है बरकरार रखनी है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँगी कि हमको इसकी जो थिकनेस है कितनी रखनी है। पहले हम बढ़िया से इसको अच्छे से बेल लेते हैं, हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे, ज़्यादा प्रेशर देते हुए इसको नहीं बेलना है क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं। ये देखिए तो अच्छे से मैंने इसको बेल करके तैयार कर लिया। ये देखिए इतनी मोटी हमको रखनी है, कम से कम आधा इंच है मेरी यहाँ पर मोटी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है पिज़्ज़ा कटर और पहले इसकी हम इसको इसके कॉर्नर्स को कट करके तैयार कर लेंगे। इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको कट कर लेंगे ताकि हमारी जो मिठाई की फिनिशिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आए। और मैं इसको मिठाई को बना रही हूँ चकोर शेप में, तो मैंने इसको चकोर शेप में काट करके तैयार कर लिया है। प्रॉपरली आपको दिखाई दे तो मैंने इसको इस तरीके इस तरफ से पलट लिया है। अब हम पिज़्ज़ा कटर से कट करेंगे। आपको जितनी पतली रखनी है मिठाई, जितनी चौड़ी रखनी है आप रख सकते हैं। पहले मैं हल्के हल्के से कट्स लगा लेती हूँ ताकि हमारी जो मिठाई है इक्वल में रहे। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी मिठाई कट करके तैयार हुई है। ये देखिए लग रही ना कितनी बढ़िया। चलिए इसको मैं एक प्लेट में डाल करके तैयार कर लेती हूँ और चलते हैं अब अपने अगले प्रोसेस पे। साइड में पैन में मैंने अच्छा खासा तेल को गरम कर लिया यहाँ पर, यानी कि जैसे मैं डाल रही हूँ अपना यहाँ पर मिठाई को तो हल्के हल्के इससे बबल्स आ रहे हैं। और अपनी अब जो फ्लेम है यहाँ पर एकदम सिम रखनी है और एकदम सिम गैस पर इस मिठाई को बढ़िया से पकाना है। जब ये हल्की होकर आपको ऊपर दिखने लगेगी तभी आपको यहाँ पर इसको पलटना है। ये देखिए इस तरीके से अपने आप हल्की होकर ये ऊपर आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब इसको पलटना है। एकदम सिम गैस मैंने रखी है अब भी और हल्के तेल गरम में इसको हमको बढ़िया से फ्राई करते हुए जा रहा है जब तक कि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। जब तक इसको आप पलटते पलटते रहिए, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है इस मिठाई को हमको, क्योंकि कलर जो है बहुत जल्दी आ जाता है हमारी इस मिठाई में। तो आपको बस हर 2 से 3 मिनट के बाद इसको पलट देना है अपनी मिठाइयों को ताकि चारों तरफ से अच्छे से इवनली कलर आए हमारी मिठाई के अंदर। और जो तेल है हमारा ज़्यादा गर्म नहीं था, एकदम हल्का गर्म था, जैसे कि हम रसगुल्ले वगैरह फ्राई करते हैं ना, बस उसी तरीके का हमको यहाँ पर तेल चाहिए अपना, यानी कि उतना ही गर्म हमको यहाँ पर तेल चाहिए। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे कलर आना शुरू हो रहा है तो मैं अपनी मिठाइयों को जल्दी जल्दी कैसे अलट पलट कर रही हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से करना है ताकि इवनली कलर आए हमारी मिठाई पर। ये देखिए जितना कलर आपको डार्क चाहिए उतना आप डार्क कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई भी चॉइस नहीं है। तो मैंने यहाँ पर अच्छा सा सुनहरे सा कलर आने तक इसको पलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर रही हूँ एकदम सिम गैस पे। ध्यान रखिएगा एकदम सिम गैस पर, एकदम लो वाली गैस पर। ये देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है मेरी इस मिठाई पर, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है और एकदम फूली फूली बन रही है। और जब आप निकालेंगे ना एकदम खस्ता लगेंगी आपको, मानोगे एकदम बिस्किट जैसी, क्या मस्त कलर आया है, लग रहा है ना कितना बढ़िया। ये देखिए एकदम बढ़िया, ना टूटी है ना खुली है, कैसी भी नहीं हुई है, एकदम परफेक्ट हमारी मिठाई बनकर के तैयार होगी, वो भी कुछ मिनटों में कुछ सामानों से। अगर आपको मीठा खाने का मन हो ना तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसी तरीके से मैं यहाँ पर सारी की सारी मिठाइयाँ बना करके तैयार कर लूँगी। अब जब हम इसको चाशनी में डालेंगे तो आप ध्यान रखिए चाशनी आपकी हल्की गर्म होनी चाहिए, ठंडी चाशनी में आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। और जो हमने हमारी जो मिठाई है इसको भी एकदम गरम गरम निकालते ही चाशनी के अंदर डालना है। और चाशनी में डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट आपको चाशनी को फिर से
पकाना है, एक से डेढ़ मिनट ज़्यादा नहीं, क्योंकि दोनों चीज़ अच्छे से गर्म हो जाएंगी, बॉइल हो जाएंगी। उसके बाद इसको हमको क्या करना है ना, ढक करके ज़्यादा ज़्यादा डेढ़ से दो घंटे हमको इसको रखना है ढक करके साइड में। उससे पहले आपको इसको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अभी जैसे ये ऊपर तैर रही है ना हमारी मिठाई, जैसे जैसे ये चाशनी पिएंगी अंदर तक, वो एकदम नीचे जो है हमारी मिठाई बैठ जाएगी। तो ये अच्छा साइन है कि देखने का कि हमारी मिठाई है एकदम परफेक्ट, उन्होंने चाशनी अब्सॉर्ब कर ली है, एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हुई है। तो एक से डेढ़ मिनट मैंने बढ़िया से अपनी चाशनी को मिठाई के साथ पकाया है और अब मैं इसको एज इट इज़ छोड़ दूंगी डेढ़ से दो घंटे के लिए। नहीं तो आप कम से कम डेढ़ घंटा तो ज़रूर छोड़िए। मैं इसको ढक करके साइड में रख दूंगी एकदम दो घंटे के लिए बिल्कुल भी। ये देखिए कितनी बढ़िया से हमारी मिठाई ने चाशनी को अब्सॉर्ब किया है। पहले कितनी ऊपर फ्लोट कर रही थी, अब एकदम बैठ गई। ये अच्छा साइन है हमारी मिठाई का। चलिए सर्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान टेस्टी मिठाई हमारी बन करके रेडी है। कौन कौन इसे ट्राई करने वाला है मुझे ज़रूर बताइएगा, कैसी बनी है, क्या मेरी टक्कर की बनी है या नहीं, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप इस मेरी वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कर सकूं। और अगर ये मेरी छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं अपने चेहरे के साथ वीडियो को बनाना शुरू करूं, तो जल्दी से जल्दी मेरे फॉलोवर्स को और ज़रूर से ज़रूर बढ़ाइए। मेरी इस यूट्यूब फैमिली को और बड़ी बनाना है, तो ज़्यादा नहीं 50K बहुत है। चलिए मिलूंगी अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलूंगी अगली बार नई रेसिपी के साथ।